पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कुंदरी स्थित बरसों पुराने सरकारी तालाब को भू माफियाओं ने स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से रातों रात जेसीबी मशीन की मदद से भरकर उसे समतल कर दिया। भू माफियाओं द्वारा वर्षों पुराने सरकारी तालाब को भरने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब सरकारी है जो नक्शा में भी दर्ज है, इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भू माफियाओं ने तालाब को भरवा दिया जो नियम के सरासर विरुद्ध है। स्थानीय ग्रामीणों ने पलामू उपायुक्त ए दोड्डे से भू माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए तालाब का सरकारी फंड से जीर्णोद्वार कराने की मांग भी की है। भू माफियाओं द्वारा कुंदरी छठ तालाब को भरे जाने से महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। कुंदरी एवं आसपास गांव की महिलाओं ने डूबते सूर्य को सूखा अर्घ देकर विरोध जताया। पूर्व मुखिया प्रतिभा देवी, पूर्व पंसद अर्चना मौर्य एवं पूर्व उप मुखिया रंभा देवी समेत कई महिलाओं ने बताया कि कई दशकों से वे लोग यहाँ छठ पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा तालाब की जमीन को कब्जा करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। हम लोग खड़े इसलिए हैं कि हम लोग वर्षों से यहाँ छठ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तालाब भराया जा रहा है। हम लोग अब कहाँ जाएंगे छठ करने? कितनों हम लोग प्रयास किए, लेकिन हम लोग का बात नहीं रहा। तो दबाव, पुलिस प्रशासन के दबाव से तालाब भरा रहा है। अब हम लोग का आस्था था यहाँ, अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब कहाँ जा रहे जाएंगे। हम लोग का प्रयास यह है कि तालाब नहीं भरा। वहीं कुंदरी स्थित वर्षों पुराना सरकारी तालाब को भू माफियाओं द्वारा समतल किए जाने की बात पर विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तालाब से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और ग्रामीणों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेंगे। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कुंदरी ग्राम का छठ तालाब जो सैकड़ों साल पुराना छठ तालाब है, इसको भू माफियों ने साजिश के तहत जाली पेपर बनवा करके और इसको भरवाने का काम किया है और इसको बेचने की साजिश कर रहा है। और ये आस्था का जो केंद्र था, इसको कुठाराघात करने का काम किया है और इसकी हम काफ़ी विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में इस आस्था के स्थल को भरने का किया है, उसका सो हम विधानसभा सत्र में भी इसको हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और साथ साथ है ये जो इतने दिनों से जो साजिश किया जा रहा था, इसमें प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिला जिला प्रशासन को और ये रातों रात ऐसे इसको भर करके ऐसे यहाँ पर समतल करने का काम किया। हम आने वाले समय में हम लोग ग्रामीणों के साथ हम ऐसे बैठक करेंगे, मिलेंगे और मिल करके इसको आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि एक घर है, एक डलिया एक कुदार लेकर निकलें और इसके बाद दस दस ही कहिए कि ऐसे बास्केट है सो मिट्टी वहाँ से निकालेंगे और पूर्वत जैसा तालाब था उसको सो पूर्वत है सो उसी प्रकार से बनवाने का काम करेंगे। इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द है सो करने जा रहे हैं। इस पर ऐसे कार्य जैसे ये मंथन चल रहा है और हम आस्था केंद्र को उसको ये नहीं होने देंगे, उनको सो हम बर्बाद नहीं होने देंगे।